अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैर वाफियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू एसईओ ऑप्टिमाइज योर होम पेज। इससे पहले हमने देख लिया एसईओ क्या है, एसईओ का ओवरव्यू हमने देख लिया, फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि एसईओ मैट्रिक्स कौन कौन से हैं जो एसईओ की परफॉर्मेंस जज करते हैं, या जिनके थ्रू हम जिन मैट्रिक्स के थ्रू हम एसईओ की परफॉर्मेंस को जज करते हैं। सो अब हम आते हैं कि किस तरह से हम अपने होम पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हमारे पास एक चेकलिस्ट थी, चेकलिस्ट पे हमारे पास हमने देख लिया गूगल एनालिटिक्स कैसे है, एरफ की जो चीजें हमने कीवर्ड रैंकिंग, लिंक बिल्डिंग, किस तरह से डिफरेंट वेबसाइट्स की हमने चेक की थी, वो सारी हमने देख ली। अब आते हैं डाउनलोड द यूज्ड एसईओ प्लगइन। फायदा क्या होगा कि इससे आपके जो एसईओ का काम है वो बड़ा इजी हो जाएगा। आज मैं आपको एक, हम अगर सर्च करें कि बस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो आप देख रहे होंगे कि एक ये तो ऐड आ रहा है, ऐड के साथ ही जहां पे मेरा कर्सर है यहां पे एक टाइटल है, इसको हम टाइटल बोलते हैं, और ये जो है इसको हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं या मेटा डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। सिमिलरली यहां पे अगर देखें 10 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वेबसाइट्स, एक टाइटल आ गया, यहां पे एक डिस्क्रिप्शन आ गया। सो ये तमाम वेबसाइट खा वो आप वर्डप्रेस डेवलप करें या किसी और प्लेटफॉर्म पे आपने डेवलप की हैं, आपको ये सेम पैटर्न करना पड़ेगा फॉर टाइटल्स एंड फॉर मेटा डिस्क्रिप्शन एज वेल। सो आइए वर्डप्रेस की तरफ चलते हैं। सो वर्डप्रेस में आप सबसे पहले लॉगिन करेंगे। मैं अपनी वेबसाइट paintbro.com के वर्डप्रेस के लॉगिन में गया, फिर मैं प्लगइन्स में गया। प्लगइन्स में मैंने यहाँ पे योस्ट एसईओ का प्लगइन सर्च किया, और ये प्लगइन सर्च करने के बाद मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद ये मेरे प्लगइन्स में आ गया, और ये एसईओ के आपका जो साइट पे मेन्यू है उस मेन्यू में यहाँ पे आ गया। अब मैं जाऊंगा पेजेस में, पेजेस एंड ऑल पेजेस, ऑल पेजेस से मैं जाऊंगा होम में, क्योंकि मैंने बेसिकली जो एसईओ ऑप्टिमाइज करना है वो होम पेज का करना है। सो यहां से एडिट को मैंने क्लिक किया। एडिट को क्लिक करने के बाद यहां पे उसने मुझे बता दिया कि यहां पे फोकस की फ्रेजेस क्या हैं, यहां पे एसईओ टाइटल, स्लग, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे काम करते हैं। तो ये सारी चीजें, एसईओ टाइटल हमेशा कैसे लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एसईओ टाइटल हमेशा लिखते हुए आपने माइंड में रखना है कि एटलीस्ट वन कीवर्ड आपका एसईओ टाइटल में आ रहा हो। मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हुए आपने हमेशा रिसर्च और टारगेटेड कीवर्ड को अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में डालना है, और आपने ये कोशिश करनी है कि वो जो आप कीवर्ड्स वहां पे लगा रहे हैं, वहां पे लिख रहे हैं मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हुए, दे शुड बी हाइपर रेलेवेंट टू द कंटेंट ऑफ ईच पेज। और आपने कभी भी ये नहीं करना कि आपने सारे वेबसाइट पे पेजेस की, ये किसी भी दो पेजेस की मेटा डिस्क्रिप्शन सेम हो। उससे होगा क्या कि गूगल विल बी कंफ्यूज्ड कि उसने किस स्पेसिफिक क्वेरी पे कौन सा पेज शो करना है। उसके बाद इसी मेटा डिस्क्रिप्शन में अगर आप बेनिफिट्स नहीं कम्युनिकेट करेंगे, अर्जेंसी ऑफ एक्शन अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो माइट बी कि आपकी जो ट्रैफिक है या वहां पे जो सीटीआर है क्लिक थ्रू, वो जनरेट नहीं होगा। उसके बाद आपने ऐसा मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है कि जो यूजर को कंपेल करे, उसको इस बात में मजबूर करे कि उसको क्लिक करे, और ऐसा जो रेलिवेंट टू हिज और हर इमोशंस। सो एसईओ टाइटल अगर मैं यहां से देखो एजेंसी का, किसी भी एजेंसी का मैं उठा लेता हूं, यहां से कोई भी एजेंसी, हम वेब एफएक्स की उठा लेते हैं, हम कोई भी एजेंसी की हम उठा लेते हैं। तो यहां से जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दिखाने के लिए कि यहां पे मेटा डिस्क्रिप्शन शो करेगा, एसईओ टाइटल में कह देता हूं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन टाउन। और कोशिश कीजिएगा कि जब आप टाइटल लिखते हैं तो टाइटल शुड बी ग्रेटर देन 30 कैरेक्टर्स एंड लेस देन 60 कैरेक्टर, नॉट इन टाउन इन पाकिस्तान,
best digital marketing agency in Pakistan. Select should be best digital marketing agency. तो ये मेरे पास एक select लिख लिया और ये appear इसकी इस तरह से होगी, right? फिर इसका SEO analysis करेंगे, अगर आपने कुछ सेनन में ऐड करना है यहाँ से ऐड करेंगे, related की phrases ऐड करने हैं तो आप यहाँ से ही कर लेंगे. एंड अगर आपने एडवांस में जाना है तो ये सारी चीजें अपने मेटा रोबोट्स करने हैं, ब्रेड्स क्रम टाइटल डालने हैं, कैनोनिकल यूआरएल्स डालने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं. आप अगर लेआउट चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं. तो ये सारे का सारा आप इसको एक बार जरूर एक्सप्लोर करें एंड यू विल लर्न के इसमें किस तरह से आप अपने होम पेज को एसईओ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. अगर ये मोबाइल के समय रिजल्ट आएगा तो डेस्कटॉप का रिजल्ट इस तरह से आएगा. आप इसमें वेरिएबल इंसर्ट कर सकते हैं, टैगलाइन है, साइट टाइटल है या सेपरेटर है, तो ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं. फॉर अगर मैं साइट टाइटल के लिए हमेशा यूज होता है डैश बीइंग प्रो, एंड अगर मैं सेपरेटर की बात करूं तो सेपरेटर भी हम इसमें से डाल सकते हैं. तो ये था हमारा कि हम एसईओ को किस तरह अपने होम पेज को किस तरह से एसईओ ऑप्टिमाइज करते हैं. सो इसको आप लर्न करें, इस पर प्रैक्टिस करें एंड यू विल सी कि आपने एक अच्छा टूल सीखा और एक अच्छे एसईओ की तरफ आपका स्टेप या आपकी वेबसाइट जा रही है. सो थैंक यू सो मच. अगले लेक्चर में हम जो नेक्स्ट हमारी है कि गूगल सर्च कंसोल पे अपनी साइट को कैसे वेरीफाई करते हैं वो पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.